ये कहानी माइकल स्वनविक द्वारा लिखित एक छोटी कहानी पर आधारित है। ये कहानी है एक ऐसे फ्रिज की जिसके अंदर पूरी दुनिया बसी है। ये कहानी हमें दिखाती है कि हम ह्यूमंस कहां पर स्टैंड करते हैं। पास्ट से लेकर फ्यूचर तक हम देखेंगे कि हम ह्यूमंस ने नेचर को क्या दिया और क्या उससे पाया। इस दुनिया का समय हमारी दुनिया से बहुत फास्ट है, तो चलिए बढ़ते हैं हम अपनी कहानी की ओर। हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम रोब है और ये कुछ सामान लेकर इस अपार्टमेंट में आया है। यहाँ की हालत देखकर पता चलता है कि ये लोग अभी अभी यहाँ पर शिफ्ट हुए हैं, जिसकी वजह से सारा सामान इधर उधर फैला हुआ है। दूसरी तरफ हम गेल को देखते हैं। गेल और ये दोनों कपल है और ये दोनों लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं। गेल कहती है, देखो पुराने मकान का मालिक यहाँ पर अपना फ्रिज छोड़ गया है। रोब कहता है, असल में ये पुराने फ्रिज हमारे नए फ्रिज से बहुत ज्यादा स्मार्ट है। कहता है कि पुराने फ्रिज में मोटर ऊपर होती है और न्यू फ्रिज में मोटर नीचे लगी होती है, जिसकी वजह से उससे गर्म हवा निकलती है और उसी मोटर को उस गर्म हवा को वापस ऊपर फेंकना पड़ता है, जो कि थोड़ा अजीब है। तभी गेल उसके लाए हुए कार्टून में से पीने के लिए वाइन निकालती है। रोब से पूछती है कि क्या तुम लोगे। रोब कहता है कि शायद फ्रिज में बर्फ जरूर होगी। अब हम फ्रिज में बर्फ को देखते हैं, जो कि पूरी तरह से खचाखच भरी हुई है। रोब कहता है, ये तो हिमालय जैसा लग रहा है। अब रोब आइस क्यूब के दो टुकड़े लेता है और उन्हें सर्व करता है। ये लोग चीयर्स करते हैं और एक सिप लेते हैं। तभी रोब को लगता है कि उसने अपने ग्लास में कुछ अजीब सा देखा और वो अपने ग्लास से बर्फ के टुकड़े को निकालता है। जब वो उसको देखता है तो कहता है कि हे भगवान, ये क्या चीज है। और गेल से कहता है कि मैं चाहता हूँ तुम इस आइस क्यूब के अंदर देखो और मुझे बताओ कि तुम्हें क्या दिखा। वो उसको ध्यान से देखती है और पहचान जाती है कि ये क्या चीज है और कहती है कि मैं मैग्नीफाइंग ग्लास लेकर आती हूँ। ये मैग्नीफाइंग ग्लास से चेक करते हैं और हमें पता चलता है कि ये एक मैमथ है जिसको भाले लगे हुए हैं। मैमथ हमारे आज के समय में पाए जाने वाले हाथियों के बराबर ही होते थे, परंतु इनसे कई गुणों में डिफरेंट थे। उदाहरण के तौर पर इनके शरीर पर बहुत बड़े बड़े बाल होते थे, इनकी खोपड़ी छोटी और कान भी छोटे होते थे। इनके दांत जो कि मैक्सिमम 14 फीट तक लंबे होते थे। इनका शरीर बर्फ में दबा हुआ इतनी अच्छी हालत में पाया गया था कि इनका मांस ना कि खाने लायक था, बल्कि इनके मुँह के अंदर जो खाना पाया गया वो भी बिल्कुल सुरक्षित था। गेल कहती है, अगर फ्रिज में ऐसे और भी हुए तो। और वो फ्रिज को चेक करने के लिए जाती है। वो वहाँ पर जितना भी सामान रखा हुआ था सबको हटा देती है और जो पाती है उसको देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। रोब भी चेक करने के लिए आता है और उसके भी होश उड़ जाते हैं और वो कहता है, ओ तेरी ये क्या बला है। कहता है कि हमारे फ्रिज में तो एक पुरानी सिविलाइजेशन है और पाता है कि इस सिविलाइजेशन का समय हमारे समय से फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा है। गेल पूछती है, क्या सच में यहाँ पर लोग रहते हैं। रोब कहता है, क्या तुमको सच में ऐसा लगता है। इसके बाद ये लोग उस मेमथ की डेड बॉडी को अपने गमले में दफना देते हैं। उसके लिए ये लोग कुछ सेकंड का मौन व्रत भी रखते हैं। गेल कहती है, चलो अच्छा हुआ कम से कम ये फर्टिलाइजर के काम तो आया। अब ये फिर से फ्रिज को चेक करने के लिए जाते हैं और पाते हैं कि यहाँ पर औद्योगीकरण का दौर चल रहा है। रोब कहता है, ये क्या, अभी तो 10 मिनट पहले यहाँ पर कुछ और था। गेल कहती है, शायद यहाँ का टाइम रेट कुछ अलग होगा। अब कुछ ही देर हुई होती है कि तभी ये लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक पूरी की पूरी सिटी का निर्माण हो रहा है। ऊंची ऊंची इमारतें बन रही है। हम देखते हैं कि इस सिटी में इमारत के छोर पर बैठे हुए दो लोग आपस में बात कर रहे हैं और कहते हैं कि इन दोनों निकम्मों के पास हमको घूरने के अलावा और कोई काम नहीं है क्या। दूसरा कहता है, पता नहीं पर मैं इस लड़की के दांतों में फंसी ब्रोकली को देख देख कर परेशान हो गया हूँ। ऐसा उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि उनकी दुनिया का समय फास्ट फॉरवर्ड में चल रहा था। हमारी दुनिया की कुछ सेकंड इनकी दुनिया के कुछ घंटों के बराबर थी। अब देखते ही देखते यहाँ पर एक पूरी की पूरी सिटी खड़ी हो जाती है और अब ये लोग फ्यूचर में पहुँच चुके हैं। तभी एक मिसाइल आकर बहुत जोर से फटती है, जिसकी वजह से रोब डर जाता है। गेल उसको सहारा देती है।
हम देखते हैं कि उस ब्लास्ट की वजह से रोब का चेहरा पूरी तरह से रेड हो गया है। गेल रोब को उसका फेस दिखाने के लिए कोई चमकीली चीज देती है और इसके बाद इन लोगों का ध्यान फिर से फ्रिज की तरफ जाता है। हमें पता चलता है कि फ्रिज में न्यूक्लियर वॉर चल रहा है। गेल फ्रिज का दरवाजा बंद कर देती है और बोलती है कि अब ये लड़ाई इतनी जल्दी तो खत्म होने वाली है नहीं। अब ये लोग एक पिज्जा ऑर्डर करते हैं। रोब कहता है कि एक घंटे से ऊपर हो गया है, क्या पता अब वहाँ पर सब कुछ ठीक हो गया हो। रोब एक बार फिर से फ्रिज खोलता है और देखता है हमारा ब्राइट फ्यूचर, फ्लाइंग कार्स, आधुनिक बिल्डिंग्स। तभी इन लोगों की नजर वहाँ पर बन रही एक बिल्डिंग पर पड़ती है। रोब कहता है ये बिल्डिंग थोड़ी अजीब सी लग रही है। गेल कहती है हाँ, डिल्डो जैसी। और तभी यहाँ पर एक सुपरनोवा ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से पूरी दुनिया खत्म हो जाती है और उससे निकलने वाली रोशनी इनके पूरे किचन में फैल जाती है। ये दोनों उस रोशनी को देखकर छोटे छोटे बच्चों की तरह खुश हो जाते हैं। एक बार फिर हम फ्रिज की तरफ देखते हैं। वो एक्सप्लोजन एक बार तो एक्सप्लोड होता है और फिर पूरा का पूरा अपने अंदर ही सिकुड़ जाता है। वैसे मेरा मानना है कि इस ब्लास्ट के कारण इसके सेंटर में एक ब्लैक होल क्रिएट हो गया था जिसने इस पूरे के पूरे एक्सप्लोजन को अपने अंदर समा लिया था, यानी कि निगल गया था। अब फ्रीजर पूरी तरह से सुनसान और खाली पड़ा है। रोब गेल से पूछता है क्या लगता है ये लोग वापस आएंगे। गेल कहती है नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये लोग वापस आएंगे। इसके बाद रोब फ्रिज की पावर को कट कर देता है। वो उसकी वायर को इलेक्ट्रिसिटी प्लग से निकाल देता है। इसके बाद ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं। अब जब ये सुबह उठते हैं तो इनके मन में जिज्ञासा होती है कि क्यों ना फ्रिज खोलकर देखा जाए। ये फ्रिज खोलकर चेक करते हैं और देखते हैं कि हम इंसानों के पूर्वज एक मरे हुए डायनासोर का मांस खा रहे हैं। ये अब फिर से उस दौर में पहुंच गए हैं जब इंसान ने इस धरती पर अपना अस्तित्व नहीं ढूंढा था। तभी यहाँ पर एक विशालकाय मांसाहारी डायनासोर आता है। ये भागने लगते हैं जिनमें से कुछ को वो खा जाता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि हम इंसान अपनी बर्बादी का खुद ही कारण हैं और सोचते हैं कि इससे सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई इसके उलट है।